रहम कर मेरे भोले, ये बदरिया गम की छाई है, मेरी भी बिगड़ी बना दे तूने, लाखों की बनाई है। कीरत सिंह गुरुदेव के हे जी चरण नवाऊं शीश, श्याम दास बाबा मेरी सो देते रहो आशीष। तुई काली का ए जी तुई कालन को काल, लाजा मेरी राखियो सो खेरे की रछपाल। ए जगदम्बी जगदम्बी मैया जगदम्बी, जगदम्बी जगदम्बी मैया जगदम्बी, मेरा बिरहा लगा दी पार मैया जगदम्बी। गुरजर शरण तुम्हारी, नरेश गुरजर शरण तुम्हारी। हे माँ, हे भगवती माँ सरस्वती माँ, नरेश गुरजर शरण तुम्हारी। अवका मैया करे यवारी, बाजा पे करो विश्राम मैया जगदम्बी, मेरा बिरहा लगा दी पार मैया जगदम्बी। कोई संकट डारो ए जब जब भीड़ पड़ी है तेरे चल पे, सब कोई संकट डारो। नरेश गुरजर को मैया न का दे जातन का सहारो,
सारे बुजुर्ग प्यार करने बच्चे, सीता सावित्री अनुसुईया जैसी हमारी भूमि पलने वाली हमारी माता बहने, आज सचिन कैसेट के माध्यम से आप लोगों तक ये बहुत ही मार्मिक कथा सुनाने के लिए जा रहा हूं। सरवर नीर किस्सा बोल लगा करके सुनेंगे तो बड़ा ही आनंद मिलेगा। कहां से हम शुरुआत करते हैं? मिली नाम की नारी थी, पति वीरता पति की प्यारी थी। ढोलक बजा रहे हमारे छोटे भाई मोहन प्रकाश जी, रिकॉर्डिंग राणा स्टूडियो जगरीपुरा डिस्ट्रिक्ट धौलपुर राजस्थान। बोल लगाए तो बड़ा ही आनंद मिलेगा। माया विचित्र कले सुर की नहीं समझ किसी पे आती है, जाने क्या थी क्या दिखलाई विधाता ब्रह्म की गति कहलाती है। लगाते हैं राजा अंब का इतना सत बढ़ता हुआ जा रहा, धर्म पर आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। महात्मा जी आते हैं और क्या आवाज लगाते हैं राणा जी। अंबा नगरी आई सकुन साधु फरमायो, क्या बोलते हैं महात्मा जी, मेरा पूरो कर सवाल प्रभु को लाल आज कोई प्यारा, जाकी पतरा के करतार रे जगत को है रखवारो। मेरे प्रश्न का उत्तर दे सके, जो हम मांगे सो दे सके। क्या हुआ भैया, रहे राजन पाट पड़ा रे ताट किसी दिन सारो किसी दिन सारो, जब काल वाली बक जाए रे चले जावे रे चले ना भैया चारों।
सबरी प्रजा एकत्र तो हो जाती है। कह लगे महाराज आप विद्वान मालूम पड़ते हैं, हम तो प्रजा हैं, लेकिन हम तुम्हें एक जगह बताते हैं, तो वहां चले जाओ। क्या बोली है प्रजा? साधु जी महाराज पास तुम राजा की जाओ। क्या बात है मोहन? दीपेंद्र भैया महाराज, साधु जी महाराज पास तुम राजा की जाओ। पूरन इच्छा करे न खाली हाथ लौटियाओ। जो हमारे राजा हैं राजा अम्ब, वहां चले जाइए, आपकी इच्छा पूरी जरूर होगी, बड़े सत्यवादी राजा हैं। हे दया धर्म की कहानी, जन दौलत की चलती कहाँ है, मांगी पे गहाय दे अपनी। दरबार चले जाइए, आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। क्या हुआ भैया? जवाब पुरवासिनी की सुनिए संत ने वाणी। पहुंचे राजा के पास तुरत राजा ने बताया है, आज महात्मा जी पहुंचते हैं राजा अंब की कचहरी में। और क्या बोले हैं महाराज? महाराजा आज हम आए चारे पास, जब जानू में तो करे में दिल की पूरन कचहरी में आज महात्मा जी पहुंचते हैं। कह लगे हे महाराज, हम जो मांगते हैं अगर आपके यहां से जो मिलेगा तो ही प्रसन्न होऊंगा मैं। हाँ, क्या हुआ भैया? महात्मा जी के शब्द सुनकर के राजा अम्ब कहने लगे, सुनी संत की बात जोरी तो हाथा भूप कई बानी, तुम जो मांगे सो दे दिए आए संत हरे सहलानी। महाराज तुताराम जी आप तो बड़े विद्वान हैं, अगर बात गई तो सब कुछ गया। राजा अम्ब कहते हैं, महात्मा जी आप क्या चाहते हैं हमें बताइए। मधुर वचन मुख बोली कहो तिलक बोली न कहुआ जमानी, देखत की कही दे सापरे मत करियो या पगिलानी। महाराज हे महात्मा जी आप क्या चाहते हैं, वही मैं देने के लिए तैयार हूं। और राजा अम्ब कहने लगे हे महात्मा जी सुनो,
अरे बनवाए दऊ मंदिर साला। अरे बनवाए दऊ मंदिर साला और तुम चपोरे हरी की माला। पहलवान पिछोला वाले, अगर कोई भी अतिथि आता है द्वार पर, मने नहीं करना, ऊपर वाला देता है, चेच भी ये चुंगा जरूर देगा। राजा हम कहते हैं, और तुम जपो रे हरी की माला। जैसे हमारे राणा जी दयावान हैं, जैसे उनके शिष्य राम होता, आ जाओ रिकॉर्डिंग करो आप तो बस आगे बढ़ो। अरे बढ़िया तो कमल काला 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 जी काला और मोड़न को देंगो तो साला। आप तो क्या चाहते हैं मुझे बताइए। कंबल बनवा दूं, दुशाला बनवा दूं, मंदिर बनवा दूं। एकदम से महात्मा जी कहते हैं, राजा अंभ ऐसा वैसा महात्मा नहीं मैं, सुन जो आशा दे तोड़े प्राण दूं छोड़ी ना विलम लगाऊं। नहीं देते रवाजा मोई रे का हो तो राजा पाऊ। राजा भा दर दर ठोकर खाने वाला महात्मा नहीं है महाराज अम्भ। सब ऐसा महात्मा नहीं मैं, छोटा सा एक सवाल है उसको पूरा करे तो मैं बताऊं। राजा अंब कह लगे महाराज आप मेरे प्राण भी चाहोगे सो देने के लिए तैयार हूं, बताओ तो सही। आज राजा अंब की बात सुन करके महात्मा जी कहने लगे हे महाराज अगर मैंने मांगा आपने मना कर दिया तो सुनो मैं मर जाऊंगा आपके द्वारे पर। अरे सोनी भू पसंद कोई मरना पाद मोहन। अरे सोनी भू पसंद कोई मरना। अरे तो चापा गिरिए भैया चरना। राजा चरण करके महाराज ऐसा मत करना। अरे बाबा मत ऐसी करना हम तो आए गए तुम्हारी शरणा। भेदुबा ताई दिया भोले
आवाज में सुन रहे हैं, जो हमारे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं हमारे अशोक राणा जी जगरीपुरा वाले, रामपर भैया जी। हाय तुम जो मांगे सोई दे दिए भोले बाबा जी मोहे, तिलका भेद वचन भरवा करके क्या हुआ भैया? ए तव दिया भूपति समा संत काई पानी, गजब हो गया भैया। राहुल कोसवाल जी पिचोला वाले गजब हो गया। और हमारे डॉक्टर साहब लवकुश गोस्वामी जी चपरौली साला वाले स्टूडियो विराजमान हैं, और भोले भैया हमारे पहलवान जी पिछोला वाले, आदरणीय हमारे तोताराम जी दिवाकर जी जगरीपुरा वाले हमारे गुरु समान हैं। क्या किया है महात्मा ने? तुम हमको देव बहाई सभी मुझे तुम्हारी पूरी रजधानी चाहिए। वाह क्या बात है, गजब हो गया भैया। महाराजा राजा मोहे करने दिया दरकार, जो तू नहीं करे रे द्वार पे काई के मरू पछार। राजधानी चाहिए, बोले दोगे? आहा, राजा
कहते हैं हे महात्मा जी सुनो, मैंने गादी दैया पकी भई सवई रजधानी, तुम जो चाहे सो करियो रे के संत हरे सैलानी। महाराज राजाम कहते हैं महाराज आपने मांगा मेरा राज मैंने दिया, जो आपको अच्छा लगता है वैसा कर सकते हैं, लेकिन मेरी यही अरदास है क्या मेरी प्रजा को सत्ता पला देना या बताऊ सजवानी। बच्चे की तरह पाला है, मेरी प्रजा को दुख मत देना। महात्मा जी क्या कहते हैं कि सुन राजा अम्ब, अरे साधु ने वचन उचारो, सो करेंगे। अरे प्रजा पे तकलू हमारो, अब तू कौन है पहले बारो, महात्मा जी कहते हैं राजा अम्ब सोन तू मेरी प्रजा है, मैं यहां का राजा हूं, जो मेरे के मन में आएगा वही करूंगा। और महात्मा जी कहते सुन राजा अम्भ, जो यव जैसा करे अगारी वैसा ही पावेगा, बोवे भी जब मुरायम के पलका खा देगा। दीपेंद्र भैया कितनी बड़ी बात महात्मा कहता है, अरे बमूल के बीज बोकल के आम के फल नहीं मिलते बेटे, वो वे बीज जब मुरायम के फल का खा पीगा। और सुन राजा मैं आदेश देता हूं, मैं एक राजा हूं, अरे कहूं खुल्लम खुल्ला बानी, राजधानी को छोड़ी चली जइयो चारों प्राणी। हे राजा अम्ब आप कितने प्राणी हैं? राजा अम्ब कहने लगे हैं हाथ जोड़ करके, महाराज एक मैं हूं, एक मेरी घरवाली आमली और दो बच्चे हैं, एक 8 वर्ष का एक 10 वर्ष का सरवर और नी, हम 4 प्राणी हैं। तो महात्मा जी कहते हैं सुन राजा अम्ब,
अरे नीति की रीति बताई है, सोच समझ तथा काला भूपन नारी नवाई है। रोहित बेटा सोनी, राजा हमसे काहे महात्मा ने के चारों प्राणी मेरे राज को छोड़ के चले जाएं? आए तेरी महलनी कुआई गए ये भगवान, दुख सुख का जोड़ा होता है, सुख मिलता है वहां दुख भी झेलना पड़ता है। कहां तो राजा अंब, आज कुछ नहीं रहा, सोचे लगा राज गया कोई दिक्कत नहीं कोई परेशानी नहीं, लेकिन मेरे छोटे से बारे लाला है दो सरवर और नीर, उनको कहां लेके जाऊंगा महाराज। बोले कुछ नहीं, मेरे राज को छोड़ के निकल जाए। तेरे महलन को आए गए राजा अंब को बैठा लिया। महाराज कैसे चेहरा पर उदासी, क्या हुआ क्या हुआ बताओ ना। आए उदासी चेहरे पे छाई, अब देखो बदल वाली ने जोरी करानी बतराई। राजा पांडा धना मांगो
देखे हमारे चोटे से लाला है सरवर और नीर। हम चारों के लिए देशन कारा दे दिया है, बाहर निकल जाओ राज्य से। मेरे छोटे सारा बारा नीरा ओ रानी, ए साधु आयो दरबारा ओ रानी। तेरा चाले भरा भाई ओ रानी, एक साधु आयो दरबारा ओ रानी। आज राजा हम रानी आमली से कहते हैं, हे प्राण प्यारी, उसका कोई गम नहीं कि राज चला गया, लेकिन हमारे छोटे से लाला है दो सरवर और नीर, उन्हें लेकर के हम कहां डोलेंगे। हमारे लिए देशन काला दे दिया है कि बाहर निकल जाओ राज से। इतने शब्द सुनकर के रानी आमली कहती है, महाराज अरे सोनी बचाना नारी गवारानी। महाराज क्या हुआ प्राणनाथ, सियान अपना कोई छोड़ता है, बड़ा ही दुख होता है राणा जी। अरे सुने बचाना रे नारी घबरानी, कैसे कह दिया हमें राज से बाहर जाना ही होगा। क्या हुआ भैया, मुझको तो नहीं कुछ क्या लरे, सुनो जी पाती प्यारी। लेंगे लेकिन हमारे छोटे से लाला है सरवर और नीर, जे दुख नहीं सह पाएंगे मेरे नाथ, मैं क्या करूं। सुन के बचन पति प्यारे के सिहाना दे हमें लाई रे। Yeah.
पतिव्रता नारी का प्रेम होता है, विदेही यानी विद्वान इसी को कहते हैं। रानी अमली कहती है राजा मुझसे, महाराज आप वचन देके आ गए, कोई दिक्कत नहीं, जो होगा सो देखा जाएगा, हम राज को भी छोड़ जाएंगे, अपने बच्चों को लेकर के आज गोदी में बिठा लिया है। क्या हुआ को आज गोदी में ले लिया है। महाराज चलो हम चलते हैं, जो हमारा था ही नहीं तो हम यहां क्यों रहे। क्या हुआ भैया, आज रानी आमली और राजा आम और सरवर नीर को लेकर के किस वक्त निकले हैं। क्या हुआ भैया, तज वस्त्र आभूषण सकल कपड़ा फटे तन धार के, दमड़ी न बांधी गांठ में, दैला दसव में मार के। एक ही पैसा नहीं लिया राजा मुझे, अब धर्म के बंधन में फंस, दैला दसव में मार के, देखे न कोई रात में कर दियो गबन दिखलाए के। आज रात्रि के वक्त राजा अम्ब और आमली निकलती हैं, सरवर नीर दोनों बच्चों को लेकर के चलते हुए जा रहे हैं। क्या हुआ भैया राणा जी, जब तक राजा को राजा रे पास नहीं भैया किया, पूरा पोसवाल जी राजा रानी आमली चले जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, जाकर के क्या बोले हैं, आज सोचे लगे हैं अपने राज को देख करके। क्या बोले हैं, हम तो चले परदेश, राजी से कोई अपना घर नहीं छोड़ता है, तामे तो राजा अम्ब थे अम्बा नगरी के, हम तो चले परदेश, हम परदेसी हो गई छूटा अपना देश, हम परदेसी हो गए रामा हो रामा हो। महाराज
नगरी को अब हम जा रहे हैं। ये गलियां पति पनगट मंदिर बरसों पुराना, बरसों पुराना। कल तक तो जे अपना हम परदेसी हो गई, छूटा अपना देश हम परदेसी हो गई। चले जा रहे हैं लेके भूख प्यास के मारे। आज राजा अम्ब आमली तो सह सकती, लेकिन 8 वर्ष का सरवर नीर आज नहीं सह पा रहे हैं। क्या हुआ भैया? एकदम से रानी आमली कह लगी, हे प्राणनाथ, अरे कछु छाया में सहता महाराज। आप कैसेट प्राप्त कर सकते हैं, सचिन कैसेट, मनिया स्टेट धौलपुर राजस्थान, मोहन गुर्जर के यहां, और इधर में पहाड़ी में रहना बनवारी भांजे हमारे गायक साहब, वहां प्राप्त कर सकते हैं। और बनवारी हमारे और रामनिवास पंचीपुरा वाले जो हमारी कैसे सुन रहे हैं, लोचन भैया हमारे बरेठा वाले कुशवा जी, सुनो भैया लोचन जी क्या कहती है रानी अमली। अरे कछु छाया में सहता और पानी पी के प्यास बुझाओ। मैं तो यही आशा करता है नरेश गुर्जर, हे श्यामदास महाराज, हे संताना महाराज जी, और कुछ न चाहिए लेकिन केवल यही कंठ चाहिए, आवाज चाहिए, बस यही मेहरबानी चाहिए।
ना धन दौलत ना चाहिए। अरे मराने से इन्हें बचाओ और पानी पी के प्यास बुझाओ। राणा जी आज रानी आमली कहती राजा हमसे है महाराज, मेरे बेटा छोटे से सरवर नीर थोड़ा सा पानी पिलवा दो। बोले नहीं, क्या बोले हैं राजा हम रानी। आवाज सुन के राजा के ध्यानी आवाज थोड़ी रह गई से हमारी खाना तो बड़ी चीज है। धीरे धीरे चलते हुए राजा आम और रानी आमली दोनों अपने बच्चा सरवर नीर को लेकर के कहां पहुंचे हैं। जबक सहरा में आई कष्ट साए भारी एक शहर में पहुंचते हैं तोताराम जी राजा आम और रानी आमली। कहां पहुंचे ढूंढी एक तराई मिली है भटियारी एक शहर में पहुंचते वहां एक भटियारी मिली राजा आम को। क्या बोले हैं राजा हे मैया हे भटियारी मैया। महाराज भूप में जोरे दोनों हाथ देवे तमरी नहीं मेरी मैया काटना कावे राती कहते हैं मैया भटियारी हमारे पास में कुछ नहीं है, अगर आपकी आज्ञा हो तो एक रात हम तुम्हारी सराय में रुक सकते हैं। क्या हुआ श्रोता बंधु, क्या बोला है राजा हम भटियारी से। राजा भारी लकी गया राई मैया भटियारी बनी जा मेरी धर्मक मैया हे मां ने कभी पता में टिकाय ले री मोई रात की रात रुके मेरी मैया। केवल एक रात की बात है हे मां भटियारी। भोरई अंतरा मैले मेरी मां
हमा परा देसी अंतर हम जाइए मेरे महाराज रे रोए रोए के चिमटा तो बजारो वीरन लेकिन अरे जब दुख पड़ता है गरीबी आती है कोई सहारा नहीं देता है। योगेंद्र भाई तुम काफी कमाए रहे गोपाली गड्ढा वाले लेकिन वीरन जब दुख आवे हो तो कोई सहारा नहीं देगो। सुन बेटा मेरी बिगड़ी बनाई गई नाना